Hi everyone, welcome back to our channel on the Veg Rasoi. I hope you all are well. तो फ्रेंड आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज मैं आप सभी के साथ एक वेज थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। सभी चीज़ें बनाने में बहुत आसान है, बहुत ही झटपट बन जाएंगी। तो घर में अगर कभी कोई गेस्ट आए या फिर आपका ही बनाने का मन करे तो आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल कम टाइम में आप इसे बना करके रेडी कर सकते हैं। सारी रेसिपीज बहुत आसान है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और सारी रेसिपीज़ भी। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं बनाएं तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बिना देरी के आज के इस मज़ेदार से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सबसे पहले बना रही हूँ दाल। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया हुआ है और इस प्रेशर कुकर में ही हम सबसे पहले ऐड करेंगे दाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये 150 ग्राम अरहर की दाल ली हुई है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। दाल डाल देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें। साथ ही मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ज़रा सा हींग। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर था जिसे मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है, और साथ में ऐड कर देंगे पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 2 कप पानी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। पानी डाल देने के बाद सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है, और कुछ इस तरीके से सभी चीज़ों को मिला देने के बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे, और हमें इसे लगभग 7 से 8 प्रेशर आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। तो हम इसे पकने देते हैं, और जब तक हमारी दाल कुक हो रही है तब तक हम फटाफट से चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है भिंडी की भुंजिया। तो यहाँ पर भिंडी की भुंजिया को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा, और इसके अलावा एक ही साबुत सूखी लाल मिर्च ले ली है। इसे हल्का सा क्रैकल होने देंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम भिंडी ली थी जिसे मैंने कट करके और इसमें डाल दिया है। तो बस अभी हमें इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, अभी हमें भिंडी को बस हल्का सा भून लेना है। तो यहाँ पर हम इसे पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मैंने भिंडी को भून लिया है, और इस टाइम पे अब मैं इसमें ऐड कर दी हूँ ये प्याज। एक छोटी साइज़ का प्याज था जिसे मैंने ऐड कर दिया। फ्रेंड्स इसमें प्याज बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप बिना प्याज के भी इसे बना के रेडी कर सकते हैं। बस साथ में इसे अच्छे से मिला के और लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक अच्छे से पकाएंगे जब तक भिंडी जो हमारी है वो लगभग पक ना जाए। इसके बाद हम इसमें सभी मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो इधर जब तक हमारी भिंडी पक रही है तब तक हम अपनी तंदूरी रोटी के लिए डो बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में 2 कप मैदा लिया हुआ है, ग्राम्स में 200 ग्राम से। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच, और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। मेरे पास दोनों अवेलेबल थी, मैंने दोनों ऐड कर दिया है। अगर आपके पास एक है तो आप एक ही ऐड करें। इसके अलावा 1 चम्मच मैंने इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच दही ले लिया है। यहाँ पे मैंने फ्रेश दही का इस्तेमाल किया। वापस से इसे अच्छे से मिला लेंगे, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए और इसका हमें एक सॉफ्ट डो बना करके रेडी करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इसे डो बना के रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स हमें तंदूरी रोटी के डो को ना रेस्ट पे रखना होता है, तो हम इसे रेस्ट पे रहने देते हैं तब तक हमारी बाकी सारी रेसिपीज़ बन जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो भिंडी है ना वो तब तक में अच्छी सी पक गई है, लगभग पक चुकी है। तो एक काम करते हैं, इस टाइम पर हम इसमें मसाले वगैरह ऐड कर देते हैं ताकि वो भी अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा अपने अनुसार आप रख सकते हैं। इसके अलावा ज़रा सी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा भुना हुआ जीरा का पाउडर आधी छोटी चम्मच ऐड कर रही हूँ, और बस इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं ऐड कर रही हूँ। बस इन्हें अच्छी सी इस तरीके से मिला देंगे और साथ में अच्छे से पकाएंगे जब तक अच्छे से मसाले पक ना जाए। इसी टाइम पे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें, और बस वापस इसे अच्छे से मिला के और अब हमें इसे तब तक पका लेना है जब तक जो भिंडी में बची हुई कसर है पकने की वो भी पक ना जाए और मसाले भी साथ में भुन ना जाए। तो यहाँ पर हम इसे पकने देते हैं।
तो यहाँ पर हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से भुन चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। फटाफट से हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे निकाल करके साइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी भिंडी बन करके रेडी हुई तब तक मैंने दाल को दूसरे गैस पे रख दिया था और मैंने इसे अच्छे से पका लिया 7 से 8 प्रेशर आने तक। तो यहाँ पे दाल बन चुकी है और साथ में इसका सारा प्रेशर भी खत्म हो चुका है। मैंने इसके हल्का ठंडा होने का वेट कर लिया। तो अब मैं सबसे पहले अपनी दाल को चेक कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है ना वो बन करके बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब फटाफट से हम इसमें तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक कलछी ले ली है जिसे मैंने गर्म कर लिया था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। तो यहाँ पे मैं लगभग 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप दाल में घी से ही छौंक मारें, इससे वो टेस्टी भी बनेगी और साथ में हेल्दी भी रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ही घी गर्म हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा 1 छोटी चम्मच और इसके अलावा 1 साबुत ये लाल मिर्च ले ली है। इसे डालने के बाद मैं इसमें ज़रा सा हींग ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये कड़ी पत्ता। फ्रेंड्स, फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखिए और इसे हल्का सा क्रैकल कर ले और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये लाल मिर्च। तो यहाँ पे बहुत ही कम, लगभग 1/4 छोटी चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। बस फटाफट से हमें इसे गर्मा गर्म अपनी दाल में डाल देना है। इस तड़के को डाल के अच्छे से मिला दें और ये हमारी बहुत ही फटाफट बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनके रेडी हो चुकी है। तो इसे हम साइड कर देते हैं और फटाफट से अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस छोला। तो छोला बनाने के लिए भी मैंने वापस से प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें ज़रा सा हींग ऐड किया, साथ में थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ और इसे हल्का सा क्रैकल होने देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। बस प्याज को हमें हल्का सा भून लेना है ताकि जो प्याज है वो हल्का पक जाए, हल्का गोल्डन हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो भून के रेडी हो चुका है, ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है। इस टाइम पे मैं इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को टमाटर में डाल के एक ही में पेस्ट बना लिया है। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन का अलग से पेस्ट या फिर उन्हें चॉप करके ऐड कर सकते हो, जैसा भी आपको सुविधा हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टमाटर को थोड़ा सा पकने देते हैं। जब ये हल्का पक जाएगा इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टमाटर जो है वो हल्के से पक चुके हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, इसके अलावा इसमें ऐड कर रही हूँ ये गरम मसाला। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया है। बस सभी मसालों को हल्का सा भून लिया लगभग 4 से 5 मिनट के लिए और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ नमक। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे। फ्रेंड, जब आप मसाले ऐड करें उसी टाइम पे आप नमक ऐड कर दे, मैं डालना भूल गई थी इसलिए मैंने इस टाइम पे ऐड कर दिया। बस इसे अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोले। तो यहाँ पे मैंने ये 7 से 8 घंटे तक पानी में भिगोए हुए छोले लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये केवल भिगोए हुए, मैंने इसे पकाया नहीं है। एक ही बार में हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे तो ये आराम से एक ही टाइम में पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप छोलों को 7 से 8 घंटे तक या फिर ओवरनाइट के लिए पानी में सोक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना ये जो हमारी छोली थी जिसे मैंने डाल के लगभग थोड़ी देर के लिए भून लिया ताकि मसाले वगैरह की थोड़ी फ्लेवर्स ये जो छोला है वो ले ले। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। पानी आप अपने अनुसार एडजस्ट करके ऐड कर दें जैसा आप अपने छोले को रखना चाहते हैं। इसके बाद इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे भी हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही 10 से 11 प्रेशर आने तक। तो हमें इसे आराम से पकने देना है और तब तक हम फटाफट से अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे, जो है आलू की सूखी सब्जी, जो बहुत ही फटाफट बन जाती है बट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में सबसे पहले ऑयल ऐड कर दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैंने इसमें ज़रा सा जीरा ऐड किया और थोड़ा सा ये हींग ऐड कर रही हूँ। इसे हल्का सा चटका लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर एक छोटे साइज़ का टमाटर था जिसे मैंने बिल्कुल चॉप करके ऐड कर दिया। साथ में नमक ऐड कर दे रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिला करके ना इसे हल्का सा भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे हल्का सा भून लें। तो फ्रेंड्स, टमाटर को मैंने हल्का सा भून लिया है। इस टाइम पे हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे ताकि साथ में वो भी भून जाए। तो यहाँ पे मैंने 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड किया है, 1/4 छोटी चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसके अलावा 1/4 छोटी चम्मच जीरा का पाउडर, इसके अलावा 1/2 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ज़रा सा काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे बहुत ही कम ऐड किया है। बस इन सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे आराम से पकाएंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो मसाले वो काफ़ी कम है तो यहाँ पे अगर 5 फ्लेम रखेंगे तो मसाले जल सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून लें। तो यहाँ पे मसालों को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लिया। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये बॉयल्ड आलू लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये 2 बड़े साइज़ के बॉयल्ड आलू थे जिसे मैंने कट करके और इसमें डाल दिया।
तो बस इसे इसमें अच्छे से मिला देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 8 से 9 मिनट के लिए हमें इसे तब तक पका लेना है जब तक सारे फ्लेवर्स अच्छे से ये ले ना ले मसालों का। तो यहाँ पे जब तक हमारी आलू पक रहे हैं तब तक हम अपनी एक बहुत ही चटपटी सी चटनी बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इस चटनी को बनाने के लिए मैंने कुछ सामग्री ली हुई है। तो यहाँ पे मैंने ये कच्चे आम, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते और साथ ही में लहसुन और ये एक मैंने लाल मिर्च ले ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक जार लेंगे और फटाफट से सारी चीज़ें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ऐड कर दिया, इसके अलावा लाल मिर्च, आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीखा अपने अनुसार आप रख सकते हैं जितना आप तीखा अपनी चटनी को बनाना चाहते हैं जितना चटपटा। तो यहाँ पे मैंने पुदीना के पत्ते और साथ में धनिया के पत्ते ऐड कर दिया, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़रा सी काला नमक और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ये जीरा का पाउडर, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बार ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आज मैं चटनी बना रही हूँ, ये मीठी वाली चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना लगभग 2 चम्मच गुड़ ऐड कर दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे इसे वापस से ग्राइंड कर लिया और ये देखिए ये हमारी चटनी बन के हो चुकी है रेडी। फ्रेंड्स आप चाहें ना तो इस चटनी को ऐसे ही बना के और पराठे, नॉर्मल रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो यहाँ पर चटनी हो चुकी है रेडी और जब तक हमने चटनी रेडी की तब तक ये जो हमारा आलू है ये भी अच्छे से भून गया, सारी फ्लेवर जो है मसालों के इसने अच्छी से ले लिया है। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी है, फटाफट से गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और डालेंगे इसमें कटी हुई हरी धनिया, इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे निकाल के साइड कर लेते हैं। और तब तक हम अपनी फटाफट से छोला पे भी ध्यान दे देते हैं कि वो हमारी रेडी हुई है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक हमारा आलू रेडी हुआ, चटनी बनी, तब तक हमारा ये जो छोला है वो भी अच्छे से पक गया। यहाँ पे मैंने इसका प्रेशर ख़त्म होने तक वेट कर लिया और अब हम इसे एक बार खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारा छोला है उसका क्या हाल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो छोला है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। ये बहुत ही आसान तरीका है छोला को रेडी करने का, इससे हमारा टाइम बहुत ही कम लगता है। तो हमारा छोला बन चुका है रेडी, तो यहाँ पे छोले को भी हम साइड कर देते हैं और फटाफट से अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव। फ्रेंड्स आज हम इसी प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे, बहुत ही फटाफट बन जाएगी और बिल्कुल खिली खिली बनेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर कुकर में घी ऐड करेंगे, तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच घी ऐड कर दिया, आप इसमें घी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा थोड़े से गर्म मसाले ले लिए, तो यहाँ पर हरी इलायची 2 है, इसके अलावा दालचीनी है, साथ ही में थोड़ी सी लौंग है और ये है जीरा 1 छोटी चम्मच। तो यहाँ पर सभी खड़े गर्म मसाले को ऐड कर देंगे और इसे हमें हल्का सा चटका लेना है और जब ये हल्का सा क्रैकल हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये हरी मटर। तो यहाँ पे मैंने लगभग 4 से 5 बड़ी चम्मच मटर ऐड कर दिया है, मटर को डाल के भी ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए हुए, ग्राम्स में ये 300 ग्राम है। तो मैंने चावल को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया और सारा चावल मैंने इसमें डाल दिया और अब हमें इसे ना थोड़ी देर के लिए भून लेना है। फ्रेंड जब हम इसे इस तरीके से घी में हल्का सा भून लेंगे तो इससे हमारा जो मटर पुलाव बनेगा वो और भी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। थोड़ी देर के लिए भून लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए हुए, 2 कप चावल के लिए मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और बस इसके बाद अब हम इसका ढक्कन लगा करके और ज़्यादा नहीं, बस 2 प्रेशर आने तक इसे आराम से पकने देंगे। तो यहाँ पे काम करते हैं, हम अपनी मटर पुलाव को ना पकने देते हैं और तब तक हमारी जो बाकी बची हुई रेसिपीज़ हैं हम उन्हें फटाफट से बना करके रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही फटाफट झटपट से बन जाने वाला और मेरा ऑल टाइम फेवरेट बूंदी का रायता। तो यहाँ पे बूंदी के रायते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल में दही ले ली है। तो यहाँ पे मैंने ये 200 ग्राम दही ली हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये फेटी हुई दही का इस्तेमाल किया है, ध्यान दें रायते के लिए हमें फेटी हुई दही का इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बूंदी। तो यहाँ पे मैंने ये 50 ग्राम मार्केट में जो बूंदी मिलती है वही मैंने इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से मिल जाती है, घर में बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दिया है 1 चम्मच, आधा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पुदीना के पत्ते, इसके बाद जीरा का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, तीखा अपने अनुसार आप रख सकते हैं जितना तीखा आप अपने रायते को बनाना चाहते हैं। इसके अलावा शुगर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच और नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार और बस इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाए। तो यहाँ पे आपने देखा बहुत ही फटाफट से हमारा ये जो बूंदी का रायता है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसे रेस्ट पे रखना होगा ताकि बूंदी हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो ये जब तक हम सर्व करेंगे ना तब तक हमारा बूंदी का रायता रेडी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ एक डिज़र्ट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई सेवई, जो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगती है बट बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में सबसे पहले घी डाल दिया है। तो यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच घी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सेवई। तो यहाँ पे मैंने ये 50 ग्राम सेवई लिए हुए। यहाँ पे सेवई को डाल देने के बाद इसे अच्छे से चना करके और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भून लेना है, जब तक अच्छे से ये गोल्डन ना हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपके पास पतला वाला सेवई है या फिर ये जैसा मेरे पास है वैसा है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेवई को मैंने भून लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा रंग आ रहा है और साथ में स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल नहीं भूनना है। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ दूध। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम की दूध का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप पैकेट वाले दूध या फिर गाय के दूध किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दूध को पहले ही बॉयल करके रख लिया था। तो बस दूध को इसमें डाल देने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर। यहाँ पे 50 ग्राम ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए ये आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैं ये रेसिपी शूट कर रही थी तो मेरा कैमरा पॉज हो गया था, जिसके कारण मेरा सेवई का आगे का जो रेसिपी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे इस टाइम पे हमें इसे 10 मिनट के लिए पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद जब ये हल्का सा ड्राई दिखने लगे, इसके बाद आप अपनी मनपसंद की ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। तो फ्रेंड्स जब तक आप सेवई को पकाएं और जब तक वो 10 मिनट पकेगा ना, तब तक हम फटाफट से अपनी तंदूरी रोटी को बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी, अच्छे से इसने रेस्ट भी कर लिया है तब तक। तो अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगा के और इसे एक बार वापस से मसल के और बॉल्स बना ली। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया और इसे सूखे मैदे में कुछ इस तरीके से रैप करेंगे और बस इसके बाद अब हमें इसे बेलना है। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका नाम भले ही रोटी आ रहा है, तंदूरी रोटी, बट हमें इसे रोटी की तरह नहीं बेलना है, हमें इसे नॉर्मल रोटी से हल्का सा मोटा रखना है। तो यहाँ पे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम इसे कुछ इस तरीके से बेल लेंगे। ध्यान रखिए कि ज़्यादा पतला बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने इसे बेल करके और रेडी कर लिया है तंदूरी रोटी। तो अब मैं इस टाइम पे इसमें लगा रही हूँ पानी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज मैं ये तंदूरी रोटी तवे पे बनाने वाली हूँ, तो इसलिए हमें इसमें पानी का इस्तेमाल करना होगा। कुछ इस तरीके से इसमें पानी लगा देने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मंगरेला। तो यहाँ पे मंगरेला को डाल दिए। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ये कटी हुई हरी धनिया। इन सारी चीज़ों को डाल के इसमें हल्का सा ना प्रेस कर दे, ताकि सारी चीज़ें उसमें चिपके रहे, निकले ना। तो यहाँ पे हमारी तंदूरी रोटी हो चुकी है रेडी, इसे बस फटाफट से पका लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें अपनी रोटी को डाल दी और इसे तब तक पकाई जब तक हल्का सा बबल्स ना आने लगे। और जब कुछ इस तरीके से बबल्स आने लगी तो अपनी तवे को पलट दी और इसे अच्छे से पलट करके पकाई जब तक अच्छे से चारों तरफ से इसमें ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो तंदूरी रोटी है उसमें ब्राउन स्पॉट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही मैंने इसे अच्छे से पका लिया, चारों तरफ से ही अच्छे से पक चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसी तरीके से बाकी सभी जो तंदूरी रोटी है उसे बना करके रेडी कर लिया और अब मैं इसमें लगा रही हूँ घी। तो यहाँ पे मैंने ये घर की बनी हुई घी का इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो से पहले ही घर पे घी निकालने का मलाई से बहुत ही आसान तरीका बताया है, तो अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी सारी जो तंदूरी रोटी है वो रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे अपनी पूरी के लिए डो रेडी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में आटा ले लिया है, नॉर्मल जो रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसमें ज़रा सा अजवाइन मंगरेला, थोड़ा सा नमक ऐड करी और इसके बाद अपनी खस्ता पूड़ियाँ बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1 से 2 चम्मच बस। और बस सारी चीज़ों को हमें इसमें अच्छे से मिला देना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाए। तो इसे अच्छे से मिला लेने के बाद अब हमें इसमें पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, और हमें इसका डो बना कर रेडी करना है। यहाँ पर हमें पूरी के लिए सख्त आटा बना करके रेडी करना है, इसलिए इस बात का ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, एक बार में ज़्यादा ऐड न करें वरना कहीं डो गीला ना हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हमारा पूरी का डो है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल सख्त जैसा हमें चाहिए। तो यहाँ पे अब फटाफट से हम अपनी पूड़ियाँ बना करके भी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि लगभग जो हमारी सारी रेसिपीज हैं वो बन के रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ना मैंने बॉल्स बना करके और एक बॉल लिया और इसे कुछ इस तरीके से अपनी पूड़ियों को बेल लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी पहली पूड़ी बन करके हो चुकी है तैयार। तो ये मैंने एक प्लेट में रख लिया और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सभी बेल लिए। तो अब फटाफट से हम अपनी पूड़ियों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था पहले। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डो डाल के चाहे तो चेक कर ले कि तेल आपका गर्म है या नहीं है। हमें पूड़ियों को फ्राई करने के बिल्कुल गर्म तेल चाहिए। तो यहाँ पे हमारा तेल बिल्कुल गर्म है, तो अब फटाफट से हम अपनी पूड़ियों को इसमें डालेंगे और इसे कर लेंगे फ्राई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूड़ियों को जैसे ही मैंने तेल में डाला ये अच्छे से खिल गई हैं। तो बस इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से जब तक ये अच्छे से हल्का लाल ना हो जाए ना, तब तक इसे हमें तल लेना है।
तो यहाँ पर ये हमारी पहली पूड़ी फ्राई होकर के रेडी हो चुकी है। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपनी बाकी पूड़ियों को भी फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा लगभग सारी रेसिपीज बन चुकी हैं। नेक्स्ट लास्ट में रेसिपी बनाने वाली हूँ वो है छाछ। तो यहाँ पे मैंने एक जार में थोड़ी सी पुदीना की पत्ती, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच दही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जीरा का पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधी छोटी चम्मच। इसके अलावा ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही हूँ, और बस इसके बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा ग्राइंड होकर के हो चुका है रेडी। इसमें आप पानी मिला देंगे। तो यहाँ पे आज मैं 1 गिलास बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, और बस कुछ इस तरीके से हमारा ये छाछ बन करके हो चुका है तैयार। तो फटाफट से अब यहाँ पे मैंने इसे सर्व करने के लिए 1 गिलास निकाल लिया, और ये हमारा छाछ गया इसमें। तो सारी रेसिपीज बन करके हो चुकी है तैयार। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी थाली को भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी थाली में आ रहा है ये ड्राई आलू, जिसे बनाना बहुत आसान है। इसके अलावा ये रही भिंडी, ये रही छोला, इसके अलावा घी में तड़के लगी हुई हमारी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी दाल, ये रही हमारी चटपटी चटनी, बूंदी का रायता। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रायते में तड़का नहीं लगाया, आप चाहे तो लगा सकते। नेक्स्ट यहाँ पे ये रहा हमारा ड्राई सेवई, क्योंकि बिना मीठे की हमारी थाली तो अधूरी ही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी थाली में आ रही है ये मटर पुलाव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मटर पुलाव को पका करके और उसका प्रेशर खत्म होने तक वेट करें, और इसके बाद इसे कटोरी में रखें, कुछ इस तरीके से सेट कर लें, जिससे ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा ये रही हमारी तंदूरी रोटी, गर्मा गर्म करारी करारी हमारी ये पूड़ियाँ। इसके अलावा ये रहा अचार, क्योंकि हमारे यहाँ खाने में अचार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये रहा सलाद, तो मैंने यहाँ पे खीरा, प्याज और ये टमाटर के स्लाइसेस लिए हुए हैं। इसके अलावा ये रही हमारी ठंडी ठंडी छाछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पूरी थाली बन के हो चुकी है तैयार। फ्रेंड्स ये सारी रेसिपीज ना बहुत ही ज़्यादा झटपट बन जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। फ्रेंड्स आप डेली ऐसी थाली बना के रेडी नहीं कर सकते हैं, बट आप कभी कभी ये ट्राई ज़रूर करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप आप सभी को ये रेसिपीज़ पसंद आई। आपका इनमें से फेवरेट क्या है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स सभी रिलेटिव्स के साथ प्लीज़ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इतनी मेहनत की आप सभी के लिए, तो जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी रेसिपी की चाहिए मुझे वो भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलती हूँ ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार और यमी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।